हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल उत्तराखंड क्लासेस में। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे उत्तराखंड के प्रमुख ताल, जिसमें पहला भाग आता है गढ़वाल मंडल का। आज हम देखेंगे गढ़वाल मंडल में स्थित सारे प्रमुख ताल जो आगामी परीक्षा में पूछे जाते हैं। देखिए दोस्तों, किसी भी परीक्षा में उत्तराखंड के तालों से हमेशा क्वेश्चन बनते हैं, इसलिए ज़रूरी हो जाता है कि हम उत्तराखंड के हर ताल यानी कि प्रसिद्ध या प्रमुख ताल को कवर करें, ताकि आने वाले एग्ज़ाम में UK SSC अगर कोई प्रश्न बनाता भी है तो आपको अच्छे से याद रहे कि कौन सा ताल कहाँ पर स्थित है। तो इसलिए मैंने इस वीडियो को दो भाग में बांटा है। आज हम देखेंगे पहले भाग में गढ़वाल मंडल के सभी ताल, और इसके बाद हम दूसरे भाग में देखेंगे कुमाऊं मंडल के सारे प्रमुख ताल। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल पर बने रहें, हमारी सारी वीडियोस देखिए। तो चलिए शुरू करते हैं। उत्तराखंड के गढ़वाल में प्रमुख ताल या झीलें, ये एक ऐसा टॉपिक है हमेशा यहाँ से क्वेश्चन बनता ही बनता है। गढ़वाल के प्रमुख ताल या झीलों की हम बात करें तो सबसे पहले आता है यहाँ पे महासर ताल। महासर ताल टिहरी गढ़वाल जिले में स्थित है। यह झील दो कटोरे नुमा तालों से निर्मित है। इसके साथ ही साथ महासर ताल को भाई बहन ताल भी कहा जाता है। कई बार क्वेश्चन ऐसे ही पूछ लिया जाता है कि किस ताल को, निम्न में से किस ताल को भाई बहन ताल के नाम से भी जाना जाता है। वहाँ पर आपको ऑप्शन दिए जाएंगे महासर ताल, सहस ताल, यम ताल, एक और ताल। तो आपको चूज़ करना होगा, उसमें से पहचानना होगा आपको कि भाई बहन ताल के नाम से किसे कहा जाता है। तो इसमें आंसर बनेगा भाई बहन ताल के नाम से जाना जाता है महासर ताल को, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर दूसरा ताल आता है सहस्र ताल। सहस्र ताल टिहरी गढ़वाल जिले में स्थित गढ़वाल क्षेत्र का सबसे बड़ा व गहरा ताल है। क्वेश्चन ऐसे बनता है, इनमें से कौन सा गढ़वाल क्षेत्र का सबसे बड़ा व गहरा ताल है, तो उसका आंसर बनेगा सहस्र ताल। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, अक्सर क्वेश्चन इससे बनता है। उसके बाद यहाँ पे आता है यमताल। यमताल की हम बात करें तो यह ताल टिहरी गढ़वाल जिले में स्थित है, ठीक है। आगे चलते हैं, देखते हैं अगले ताल। इसके बाद आता है वासुकी ताल, जो कि इंपॉर्टेंट है। वासुकी ताल टिहरी गढ़वाल जिले में स्थित है, ये आप सब जानते हैं क्योंकि आज हम कवर कर रहे हैं गढ़वाल के प्रमुख ताल। इसके बाद इसका फैक्ट आता है कि वासुकी ताल का पानी लाल रंग का है। क्वेश्चन ऐसा भी बन सकता है कि किस ताल का पानी लाल रंग का है, तो उसका आंसर बनेगा वासुकी ताल। यह ताल नीले रंग के कमल के लिए प्रसिद्ध है। नीले रंग के कमल के लिए यह ताल प्रसिद्ध है। इसके बाद देखिए आगे आता है मंसूर ताल। मंसूर ताल टिहरी गढ़वाल जिले में खतलिंग ग्लेशियर के समीप स्थित है, ठीक है। और इस ताल से दूधगंगा नदी निकलती है। क्वेश्चन ऐसे बनते हैं कि दूधगंगा नदी कहाँ से निकलती है, तो आपका आंसर बनेगा मंसूर ताल। मंसूर ताल से दूधगंगा नदी निकलती है। नेक्स्ट आगे चलते हैं। इसके बाद आता है रूपकुंड। ये बहुत इंपॉर्टेंट ताल है। देखिए दोस्तों, रूपकुंड चमोली जिले में बेदनी बुग्याल के निकट स्थित है। इसके बाद ऐसी मान्यता है कि इस ताल का निर्माण शिव पार्वती ने कैलाश जाते समय किया था। इसके बाद देखिए, इस ताल के समीप नर कंकाल प्राप्त होते हैं, इसलिए इसे कंगाली ताल भी कहा जाता है। मान्यता है कि ये कंकाल यहाँ के राजा यश धवल और रानी बल्पा और उनके सैनिकों के हैं। यहाँ पर बहुत सारे कंकाल मिले थे, इसलिए इस ताल को कंकाली ताल कहा जाता है। क्वेश्चन यहाँ से बनता है, ठीक है। इसको रहस्य ताल भी कहते हैं, कंकाली ताल को रहस्य ताल भी कहते हैं। आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, रहस्य ताल। इसके बाद आता है अप्सरा ताल। यह ताल टिहरी के समीप स्थित है और इसे अक्षरी ताल भी कहा जाता है। क्वेश्चन ऐसे बन सकता है कि अक्षरी ताल के नाम से किसे जाना जाता है, तो उसका आंसर बनेगा अप्सरा ताल, जो कि टिहरी गढ़वाल जिले में स्थित है। आगे चलते हैं। इसके बाद आता है होमकुंड। होमकुंड और हेमकुंड अलग अलग ये ताल हैं, इनमें आपको कन्फ्यूज़ नहीं होना है। होमकुंड की हम बात करें तो होमकुंड झील रूपकुंड से 17 किलोमीटर की दूरी पर स्थित चमोली ज़िले में स्थित है, ठीक है। इसके बाद आता है हेमकुंड। अब बात करते हैं हेमकुंड की, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये सिखों का पवित्र तीर्थ स्थल है। हेमकुंड चमोली ज़िले में स्थित है, ये तो हम सभी जानते हैं। इस झील के किनारे सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह जी ने तपस्या की थी, और इसके किनारे एक प्रसिद्ध गुरुद्वारा हेमकुंड साहिब है। क्वेश्चन ऐसे बन सकता है कि किस झील के किनारे गुरु गोविंद सिंह जी ने तपस्या की थी, तो उसका आंसर बनेगा हेमकुंड झील। या फिर क्वेश्चन ऐसा भी बन सकता है कि
हेमकुंड के किनारे, हेमकुंड झील के किनारे सिखों के कौन से भी गुरु ने तपस्या की थी? तो उसका आंसर बनेगा 10वें गुरु श्री गोविंद गुरु गोविंद सिंह जी ने यहाँ पर तपस्या की थी। इसके बाद देखिए, हेमकुंड झील को लोकपाल झील भी कहा जाता है। हेमकुंड से अलकनंदा की सहायक नदी लक्ष्मण गंगा निकलती है और यहीं पर लक्ष्मण जी का एक मंदिर भी है। ठीक है, क्वेश्चन ऐसे बन सकता है कि लक्ष्मण गंगा कहाँ से निकलती है? तो उसका आंसर बनेगा हेमकुंड से, क्योंकि यह अलकनंदा की सहायक नदी है। आगे देखते हैं, इसके बाद आता है सतोपंत ताल। यह ताल चमोली जिले में स्थित है। ठीक है, इसके बाद आता है अगला ताल शरवदी ताल। ये इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन यहाँ से कई बार बनते हैं। यह ताल रुद्रप्रयाग जिले में स्थित है। इस ताल को गांधी सरोवर भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि 1948 में यहाँ महात्मा गांधी की अस्थियाँ प्रवाहित की गई थी। जब 30 जनवरी 1948 ईस्वी को महात्मा गांधी जी की मृत्यु हो जाती है, उसके बाद इसी ताल में उनकी अस्थियों को प्रवाहित किया जाता है और इसीलिए इसका नाम पड़ा गांधी सरोवर। इसके बाद इस ताल को, शरवदी ताल को, चौरावाड़ी ताल भी कहा जाता है। क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि इनमें से किस ताल का नाम चौरावाड़ी ताल है? तो उसका आंसर बनेगा शरवदी ताल या फिर गांधी सरोवर। अगला देखिए, लिंगा ताल। लिंगा ताल चमोली जिले में फूलों की घाटी के मध्य में स्थित है। क्वेश्चन ऐसे बन सकता है कि फूलों की घाटी के मध्य में कौन सा ताल स्थित है? तो उसका आंसर बनेगा लिंगा ताल। आगे चलते हैं दोस्तों, अगर आपने इस वीडियो को 2 से 3 बार देख लिया ना, तो आपको सारे के सारे ताल अच्छे से याद हो जाएंगे। अगला देखिए, अगला आता है बेनी ताल। यह चमोली जिले में स्थित है और इसके निकट नंदा देवी मंदिर है। ठीक है, उसके बाद आता है फाजकंडी बया ताल। यह ताल उत्तरकाशी जिले में स्थित है और इसका जल उबलता हुआ है। उसके बाद आता है बेहक ताल। यह ताल रुद्रप्रयाग जिले में स्थित है और इसका आकार अंडाकार है। आपसे क्वेश्चन ऐसे पूछा जा सकता है कि इनमें से किस ताल का आकार अंडाकार है? तो उसका आंसर बनेगा बेहक ताल। बेहक ताल का आकार अंडाकार है। आगे चलते हैं। अब देखिए, इन सभी तालों के अलावा जो इम्पोर्टेंट थे, इन सभी तालों के अलावा गढ़वाल क्षेत्र के कुछ और ताल और उनकी स्थिति निम्नवत है। चमोली जिले में देखिए, मातृका ताल, नरसिंह ताल, सिद्ध ताल। उसके बाद देखिए, उत्तरकाशी में नचिकेता ताल, डोडी ताल, केदार ताल, सरताल, और फिर आता है रोही साड़ा ताल। ये कुछ इम्पॉर्टेंट ताल हैं जो आपको लिस्ट से याद करने होंगे। आगे देखिए, उसके बाद आता है भड़ासर ताल, खेड़ा ताल। रुद्रप्रयाग की बात करें तो इसमें आते हैं देवरिया ताल, बनाड़ी ताल, गौणा ताल। इसके बाद चमोली की बात करें तो झल ताल, सुख ताल, विष्णु ताल, बेनी ताल। और उसके बाद देखिए आती है बिरई ताल या गौना झील। क्वेश्चन यहाँ से बनता है, ये पूछा गया था पिछले एग्जाम्स में, गौना झील या बिरई ताल से, तो ये चमोली जिले में स्थित है। इसके बाद आता है ताराकुंड, दुग्ध ताल, बिलंग ताल। ये सारे के सारे गढ़वाल जिले में स्थित है। इनकी स्थिति इनके सामने लिखी हुई है, आपको ये लिस्ट से याद करने होंगे। ये थे गढ़वाल मंडल के कुछ प्रमुख ताल। उम्मीद करता हूँ आपको सेशन अच्छा लगा होगा, वीडियो अच्छी लगी होगी। जल्दी मैं इसका अगला भाग लेकर आऊँगा जिसमें हम देखेंगे कुमाऊँ मंडल के सभी प्रमुख ताल। 2 से 3 बार आप वीडियो देखेंगे तो आपको सारे ताल याद हो जाएंगे। इसके बाद जब इसका दूसरा भाग आ जाएगा तो उसके बाद हम MCQ लेके आएंगे ताल के ऊपर, गढ़वाल मंडल के ताल के MCQ और उसके बाद कुमाऊँ मंडल के ताल के MCQ। इसके साथ ही साथ हमारे दोस्तों और भी सीरीज चल रही हैं, आप उनको जाके फॉलो कीजिए। आगामी परीक्षाओं के लिए सारी सीरीज इंपॉर्टेंट रहने वाली है, हिस्ट्री, GK, कंप्यूटर, हिंदी एट्सेट्रा। आप उन सभी को चेक कीजिए। आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ और हमें मोटिवेट करते रहिए। कमेंट करके बताइए ये वीडियो कैसी लगी। इसके अलावा आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी ज्वाइन कर सकते हैं @UttarakhandClasses। जल्दी मिलेंगे अगले सेशन में, अगले भाग में। तब तक के लिए धन्यवाद, टेक केयर।